नौकरी ढूंढ रहे हो, वो भी सरकारी? कोई नहीं, मेरे पास सलूशन है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्री। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एकदम सिंपल प्रोसेस में आप लोग घर बैठे वो गवर्नमेंट जॉब ही हो और जो भी प्राइवेट सेक्टर का जॉब है, सो आप गवर्नमेंट साइट से वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है कि रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको रजिस्टर है, आपको किस हिसाब से वो रजिस्टर करना है वो आपको पहले सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर जॉब सीकर में कर लिया, उसके बाद आपको आएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन टाइप, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको पैन कार्ड रखना है। आप जो ई श्रम कार्ड है उसके बदौलत भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पैन कार्ड के द्वारा करें। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको चेक बटन पर क्लिक करना है। चेक बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, वो सारा कुछ आपको फिल करना है। तो जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक कॉपी पे, उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, स्टेट कौन सा है आपका वो सिलेक्ट करना है, आपका गार्जियन या फादर्स का नाम, उसके पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो, आप कौन सा स्टेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका पिताजी का नाम वहाँ पे डालना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेवल कितने तक पढ़े आप एजुकेशन का वो आपको सिलेक्ट करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़े थे तो वो भी आपको सिलेक्ट करना है। हाँ, उसके बाद आपका मेजर था क्या था, आर्ट्स था कॉमर्स था क्या था आपका, ठीक है, वो आर्ट्स एंड एजुकेशन पे क्लिक करो। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं आपका, उसमें लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे ढिंग कॉलेज लिख दिया, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी होगा, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में लिख दिया। और ईयर ऑफ पासिंग, आपका कौन सा साल में आपने पास किए थे वो भी इसमें डालना है, यूनिवर्सिटी टी वाई, ठीक है। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग 2014 था शायद, हाँ, तो यहाँ पे मैंने 2014 और नवंबर का डाल दिया। और मीडियम क्वालिफिकेशन आपका क्या था, आप SMS में ही किए थे मेरा, तो आपको जो भी आप वो लिख लेना, नेचर ऑफ कोर्स फुल कोर्स लिख लेना, ईमेल आईडी आपका जो ईमेल आईडी है वो आप डाल देना अपना, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ स्मॉल लेटर का, वो स्मॉल लेटर का ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर का ही देना, कैपिटल लेटर का देने से थोड़ा दिक्कत होता है ईमेल आईडी में, एज ए प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो आप हमेशा जो भी दो ईमेल आईडी कैपिटल स्मॉल लेटर में ही देना। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको दे देना है, जैसे मैं यहाँ पे अभी मोबाइल नंबर दे देता हूँ। उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, फॉर जितना डिजिट का पासवर्ड है वो आपको जनरेट करना है, कम से कम 8 कैरेक्टर्स इसमें होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक नंबर टेक नंबर होना चाहिए, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी नंबर होने से हो जाएगा। तो ऐसा एक आपको एक पासवर्ड देना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, और रीटाइप पासवर्ड में आपको पासवर्ड देना है। उसके बाद आपको एक यूज़र नेम सिलेक्ट करना है, जिस आईडी से आप लॉगिन करोगे, जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी सेंड कर दिया, सिलेक्ट कर दिया कि मैं ईमेल आईडी से लॉगिन करूँगा। और स्किल जो है आपका अनएम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी है आप अपना दे देना। और के स्किल में आपको करना क्या है, आप कौन सा काम में माहिर है, जैसे आप डाटा एंट्री के लिए बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका स्किल है आप वो आपको मालूम होगा। जैसे मैं आप इस लिख दिया कि डाटा एंट्री करने के लिए मैं जॉब अप्लाई करूँगा, मतलब डाटा एंट्री का जितना काम है मेरे पास आएगा, मेल भी आएगा, तो आपको इसमें यस करना है। प्रेफर्ड रीजन पे आपको फ़िलहाल कुछ नो करना है ना, आर यू इंटर्न, इसको नो कर दो और एड योर
ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में आपको लिखना नहीं है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, तो ये लिखोगे तो बहुत कुछ इसमें आएगा, तो उसमें नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ पे कुछ बिजनेस लिख लिया है, सॉरी ये क्या हो गया, तो छोड़ो। तो उसके बाद आपको 7JDQ4 जो कैप्चा है वो एंटर सिक्योरिटी कोड जो है वो उसको आपको लिख देना है। अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर लिख के आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका डाटा सबमिट हो गया, ठीक है, मतलब जो आपने डाटा सबमिट किया था वो आपका डाटा सबमिट हो गया। उसके बाद आप अगर आप चेक करेंगे को जो जो आप फिल किए थे तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अभी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और आपको लॉगिन, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाया था, यूज़र आईडी पासवर्ड, तब वहाँ से आप उसको लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका था पूरा प्रोसेस जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। और इस वीडियो में हम लगते हैं कि 100 लाइक्स का टारगेट है, तो उसको पूरा कर दो। तो इस तरह का वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी कॉमेंट है तो अपना कॉमेंट पास करो और हमको मोटिवेट करो। थैंक यू।